नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान की विभिन्न रेल परियोजनाएं अपने तय लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रही है। हम लगातार इन पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। विभिन्न रेल परियोजनाएं जो कि वर्तमान में शुरू नहीं हो पाई हैं तथा जिनके राह में विभिन्न प्रकार की अड़चनें, कभी फंड की कमी तथा कभी सरकार की ओर से ज़मीन मुहैया ना करवाया जाना आदि कारण शामिल है। इन कारणों पर हम विश्लेषण के साथ में अब जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमने पिछले दिनों मावली मारवाड़ के बीच मीटर गेज ट्रेन वापस से शुरू होने संबंधित जानकारी आपको दी थी। कुछ लोगों में निराशा है कि इससे गेज कन्वर्जन का कार्य, जो कि वर्ष 2017 में सेंक्शन हो चुका है, वह रुक जाएगा या उसकी गति प्रभावित होगी। तो ऐसा नहीं है। फाइनल लोकेशन सर्वे, जिसके लिए इस वर्ष 125 करोड़ रुपए का अलाटमेंट केंद्र सरकार ने किया था, वह दोनों तरफ से चल रहा है। मावली की तरफ से वर्तमान में सरदारगढ़ के पास में यह कार्य मिट्टी परीक्षण से संबंधित किया जा रहा है। वहीं मारवाड़ जंक्शन से आगे की ओर भी यह कार्य तेज गति से चल रहा है। कुल मिलाकर एक वर्ष और हम मान सकते हैं कि इस सर्वे के पश्चात में कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं पिछले दिनों मावली मारवाड़ मीटर गेज ट्रेन के शुरू होने के लिए अजमेर मंडल के सीनियर डीसीएम ने कामली घाट से गोरम घाट रेल लाइन का ट्रॉली निरीक्षण किया तथा व्यवस्था बनाने के आवश्यक निर्देश संबंधित रेल कर्मचारियों को दिए। इसी कड़ी में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रयासरत हैं। वे अपने अपने स्तर से रेलवे विभाग के अधिकारियों सहित रेल मंत्री एवं प्रधानमंत्री के लगातार संपर्क में हैं तथा उनसे अपने क्षेत्र की रेल सेवाओं के लिए मांग करते हैं। क्षेत्र की सांसद दिया कुमारी जी ने मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन का कार्य दोनों दिशाओं से शुरू करने का आग्रह किया है, यानी कि नाथ द्वारा से देवगढ़ और मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ की ओर यह कार्य दोनों दिशाओं में शुरू किया जाए ताकि जल्द से जल्द यह कार्य पूरा हो सके। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं आमेट रेलवे स्टेशन, जिसे कि चारभुजा रोड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमारे मित्र श्री फरियाद खान जी ने हमें यह फुटेज भेजे हैं। 16 महीनों से वीरान रेलवे स्टेशन पर अब जल्दी ही रेल की सीटी गूंजने वाली है। साथ ही आने वाले समय में बड़ी लाइन का कार्य भी जल्दी से दोनों छोरों से शुरू होने की पूरी उम्मीद क्षेत्रवासी जता रहे हैं। काफी लंबे समय से क्षेत्रवासी मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से यह कार्य पिछड़ता जा रहा है। वहीं रेलवे के द्वारा जो फुलाद से खामली घाट के बीच में नया अलाइनमेंट बनाया गया है, उस पर अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। आगे भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।